हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आज की वीडियो मेनली मैंने अभी रिसेंट न्यूज़ को देख करके बनाई है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस, पॉपुलर और बहुत ही चार्मिंग सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई है और सब तरफ न्यूज़ में यही चर्चा है कि उन्होंने डिप्रेशन का शिकार हो करके ये इतना बड़ा स्टेप लिया। और फ्रेंड्स, इट इज़ रियली वेरी शॉकिंग क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे और उनकी ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं और आई एम सो शॉक्ड क्योंकि उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल, एक चार्म रहता था और उनको देखने से वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लगते थे। ये नहीं लगता था कि उनके अंदर कोई बात होगी, कि वो डिप्रेस हैं या मतलब किसी भी तरीके से उनकी मौत का कोई कारण सामने या समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाने की सोची कि क्या बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। एक्चुअली जब हमारे बच्चे 3 से 7 साल के होते हैं ना, तो उनके बीच में जो है डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमें सामने से पता नहीं चले, क्योंकि अगर हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है या अगर हमें कोई बीमारी होती है, कहीं पे पेन होता है तो हमें पता लग जाता है, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम नॉर्मल बिहेवियर के अंदर भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और बच्चों के अंदर आइडेंटिफाई करना तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आपने शायद एक और सुपरस्टार है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जायरा वसीम, जिन्होंने धाकड़ मूवी में भी काम किया है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, दंगल, यस, दंगल मूवी में भी उन्होंने काम किया है, जायरा वसीम। उन्होंने भी ये बताया कि उनको बचपन में 12 साल की उम्र में डिप्रेशन था और वो बहुत ही टाइम तक डिप्रेशन से जूझ रही थी और इवन के अभी भी उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कारण हो सकते हैं बच्चों के अंदर डिप्रेशन के? फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है, बहुत देर तक मोबाइल्स में रहना, बच्चों के साथ कम खेलना, सोशल लाइफ ना होना या फिर लड़ाई झगड़े घरों में ज़्यादा होना, फैमिली जो जॉइंट फैमिलीज बहुत कम होना, ऐसे में जो है ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं और वो अपनी मेंटल कंडीशन से उबर भी नहीं पाते हैं। तो अभी बात करते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं बच्चों के अंदर डिप्रेशन के। देखिए फ्रेंड्स, अगर माँ बाप के अंदर कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग होती है, झगड़े होते हैं पेरेंट्स के अंदर, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आता है। सेकेंडली, अगर बच्चे को घर में बहुत ज़्यादा मार पिटाई होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा ताने वगैरह दिए जाते हैं तो बच्चे के अंदर डिप्रेशन आ जाता है या बच्चे को प्यार नहीं मिलता है। तीसरा, या तो अगर बच्चे को स्कूल में बुलिंग का बच्चा शिकार हो रहा है, कोई उनको बुली करता है बच्चों को, कोई टीचर उनके साथ मिसबिहेव करता है, या स्कूल में अगर बच्चे को किसी तरीके से भी प्रताड़ित किया जाता है तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। नंबर 4 हो सकता है बच्चे के फ्रेंड्स ना बन पाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा अपनी तरफ से कोशिश करता है लेकिन जो बच्चे के फ्रेंड्स अगर नहीं बन पाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। नंबर 5 होता है कि अगर बच्चे का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है और बच्चा बहुत कोशिश करे, अगर उसका मन नहीं लगता है तो भी एक कारण डिप्रेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं जो हम बच्चों के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, बच्चों को डिप्रेशन है। या अगर आप खुद भी अगर एक मदर हैं तो आप बहुत परेशान हो जाती होंगी कभी कभी बच्चे के बिहेवियर को लेके, कि बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या सिम्टम ऐसे हो सकते हैं बच्चे के अंदर डिप्रेशन के। अगर बच्चा बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, अगर बच्चे का स्कूल में पढ़ाई में लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है तो एक कारण हो सकता है बच्चे को डिप्रेशन है। अगर बच्चा बिना किसी कारण के रोता ही रहता है तो हो सकता है। अगर बच्चा अपने मन की बात नहीं कह पाता है, चुपचाप रहता है, अकेले अकेले रहना पसंद करता है तो बच्चे को डिप्रेशन होता है। और अगर आपने देखा होगा कई बार आप बच्चे को अगर बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं तो बच्चा पढ़ने को टालता है और सिर दर्द का या पेट दर्द का बहाना लगाता है।
बच्चा बिना बात के चिड़चिड़ा और बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाता है तो बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है। और कितना भी मनाने के बाद भी अगर बच्चा रोता ही रहता है और अगर आपसे बात शेयर नहीं करता है ना फ्रेंड्स, तो ये जरूर ध्यान दें कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर ये टाइम, ये बात लंबे समय तक कॉन्टिन्यूसली अगर 3-4 साल तक चलती है ना, तो ये उसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। और हमारे बच्चों को संभालना हमारी ही जिम्मेवारी है। थैंक गॉड टू द जेनरेशन के आजकल के टाइम में पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा जागरूक हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं और उनका काफी हद तक ध्यान अपने बच्चों पर है। वहीं पे ही कई पेरेंट्स अपनी जॉब वगैरह को लेके इतने ज्यादा अपनी जॉब में बिजी हैं या अपनी लाइफस्टाइल्स में इतने बिजी हैं, वो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में या तो बच्चे बिगड़ जाते हैं या फिर बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बच्चों में कोई छोटा सा भी अगर सिम्टम दिखे ना, तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, कोई मौका ही ना दे किसी बात को आगे बढ़ने का, राइट। तुरंत उसको पकड़ लें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसका इलाज करें। अभी मैं बताती हूँ कि अगर बच्चों को थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन है तो आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या अगर आपके बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े गुस्से में रहते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपको अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार देना है। अगर बच्चा आपसे गुस्सा है, नाराज है, बात नहीं कर रहा है, शाउट कर रहा है, इवन देन आप उनको गले लगाइए। सेकेंडली, आपको अपने बच्चे से बात करनी है, जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने बच्चे से बात करें। बच्चा शुरुआत में शायद बात करने के लिए एग्री ना हो, लेकिन जब वो इतना सारा प्यार दिखेगा तो वो कुछ ना कुछ बात जरूर करेगा। तीसरा, बच्चे को एक्टिविटीज में लगाएं। जैसे कि अगर बच्चा सारा दिन मोबाइल या टीवी ही देखता है, और लॉकडाउन के टाइम में तो वैसे भी कितना ज्यादा डिप्रेसिंग है, तो बच्चे को पार्क में लेकर जाएं। अगर आसपास पार्क नहीं है तो दूर पार्क में लेकर जाएं। अगर बच्चे को कुछ खेलने को नहीं मिल रहा है तो आप बच्चे के साथ खेलें। डिप्रेशन का लड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव तरीका है आप अपने बच्चे को पूरा टाइम दें, अपने बच्चे के साथ पूरे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। उसके बाद बच्चे को मोबाइल या टीवी से ब्रेक दे। ध्यान रखें कि बच्चा बहुत ज्यादा अपना टाइम गैजेट्स पे तो नहीं स्पेंड कर रहा है, मोबाइल पे, टैब पे, प्रोग्राम्स में नहीं। अगर आपका बच्चा ना खेलने के लिए एक्टिव है, यानी कि मान लीजिए कि आपका बच्चा, आई विश के किसी का बच्चा ऐसा नहीं हो, लेकिन मान लीजिए अगर किसी का बच्चा डिप्रेशन में है और वो थोड़े टाइम बाद खेलने में या अपनी हॉबीज में इंटरेस्ट लेने लगता है, तो मान लीजिए कि उसका डिप्रेशन धीरे धीरे जा रहा है। जो भी उसकी हॉबीज हो, अगर बच्चा, आपको याद हो बचपन में कुछ बच्चे के अंदर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट हो, तो बच्चे को उस तरफ लगाइए, पार्क में लेके जाइए, खिलाइए। और हाँ, और फ्रेंड्स, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये कि बच्चे की डाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अगर बच्चे को ना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसके ब्रेन को फूड नहीं मिल पाता है, और ब्रेन को फूड नहीं मिलता है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डीएक्टिवेट हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। हमारे ब्रेन में फ्रेंड्स दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हैप्पीनेस का और एक होता है डिसीजन मेकिंग का, राइट। और हमारे बच्चों के अंदर ये दोनों पार्ट के अंदर सर्कुलेशन बहुत जबरदस्त होता है, इसीलिए बच्चे बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहते हैं और क्विकली डिसीजन ले पाते हैं, और उनके इमोशंस पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। तो क्या होता है, अगर हम बच्चों को अच्छी खुराक देते हैं, अच्छी डाइट देते हैं, तो उनके ब्रेन के दोनों पार्ट्स के अंदर सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाता है और बच्चा एक्टिव रहता है। कई बार हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद करते हैं कि उन्हें जो है डांटना मारना जरूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी इस चीज को बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रखें, डांटने को, गुस्सा करने को बहुत लिमिटेड रखें, अदरवाइज बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी हेल्प मिली होगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये किसी और के काम जरूर आ जाए। टिल देन, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।